राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में एक नया चैप्टर खुल गया है और तेजी से इस पर राजनीति भी हो रही है। अमित शाह से मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का एक नया तेवर ही देखने को मिला। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा काफी कॉन्फिडेंट दिखे, साथ ही उनका उत्साह भी देखने लायक था। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के प्रयासों को व्यर्थ बता दिया है। बहरहाल अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। इसी बीच पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और ये महज एक शिष्टाचार मुलाकात के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज 8 योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास मैंने और माननीय नारायण प्रसाद जी ने किया है और इसमें बांध पर 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण है, जो कि इस पूरे नौतन विधानसभा में एक बहुत बड़े विकास के तरफ छलांग लगाएगा। इसके अलावा आज पंचायत समिति और माननीय मुखिया के साथ हमारे सरकारी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है और उनकी समस्याओं का हम लोगों ने निदान किया। सर कल देर रात्रि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इच्छा जाहिर की थी कि वह माननीय गृह मंत्री जी से मिलना चाहते हैं और हम लोगों ने गृह मंत्री जी से समय मांगा और हम जाके उनसे मिले। माननीय उपेंद्र जी की और माननीय गृह मंत्री जी की मुलाकात एक बहुत ही अच्छे सकारात्मक माहौल में हुई है। कोई तरह का कोई बात उसके आगे नहीं है, यह महज शिष्टाचार मुलाकात थी और एक बहुत अच्छे माहौल में इस शिष्टाचार मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो होगा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन मुझको जब जो बात बतानी होगी तभी बताएंगे। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि पहले से सब कुछ सही था, उसी मुताबिक तो आप काम कर रहे हैं। अब जेडीयू के लोगों को क्या पता है कि क्या बात हुई, बिना जाने हुए कोई कुछ भी बोले अब उसकी मर्जी। कब चलिए करेंगे सर, ये तो बता दीजिए। चलिए जब आप सकता होगी बताना है हम बताएंगे। मतलब सब तय हो गया है, सब कुछ तय हो गई है। अब क्या तय हुआ नहीं तय हुआ, अब क्या तय करने हम गए थे कि तय हो गया। अब अपने मन से कुछ अर्थ लगाना हो तो आपकी मर्जी। हाँ तो आप अटकल लगा रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र है लगाने के लिए, लेकिन हमको जरूरत होगी तब हम बताएंगे। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि कुशवाहा केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में आने वाले बदलावों को लेकर कुछ धमाका करने के मूड में हैं।